देखो ये देखो ये भी कर रहे हैं, पानी आ रहा है। अगर आप बिगिनर तो आपके इतने में ना तो आप बढ़िया से अच्छा, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। ये 4 साल का बच्चा है, ये देखो इसकी मस्ती और इसकी स्विमिंग देखो, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका पानी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहले इसने वो बाजू में डाले थे, अब जो उसके बिना ही कर रहा है, ठीक है। देखो ये अभी सांस में उड़ रहा है। अब सीन क्या है कि ये 4 फीटर का पानी है, देखो उसके ऊपर पूरी डाइविंग बढ़ रहा है। अच्छा, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। पर इसके पानी देखो, इसके ना पैर नहीं नीचे लग रहे, पर ये नीचे पैर लगा के ऊपर आ रहा है और इसके एकदम चेस्ट तक पानी आ रहा है। अगर आप बिगिनर तो आपके इतने में ना तो आप बढ़िया स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है, सीख भी सकते हो, ठीक है। इसको इतनी स्विमिंग नहीं आती, पर फिर भी अगर ये इतना ही पानी में करेगा तो धीरे धीरे फ्लोट करना, हाथ पैर मारना, ये सारा कुछ सीख जाएगा। अभी इसको ब्रीथिंग भी आ गया, अभी बुलबुल कर रहा था। वो देखो कितने मतलब कि पानी में जा रहे हैं, चेक कर सकते हो। तो कुछ नहीं है, आप 4 साल को इजीली लेके आओ, 1-2 दिन का डर होता है, कहीं को पानी का वैसे बहुत शौक होता है। ये देखो ये देखो ये भी कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, 1 महीना 2 महीना तीसरे महीने में धीरे 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 अपना फ्लोटिंग और स्विमिंग करने लग जाएगा। किक बोर्ड के साथ हो गया, जैसे वो देखो वो किक बोर्ड के साथ कर रहा है। और ये पूल छोटा है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जब तक ये पैर लग रहे हैं, इसको पता कि मैं पैर लगा के खड़ा हो सकता हूँ, डूबने का रिस्क ना के बराबर है, ठीक है। तो ये हैगा, चेक कर सकते हो। बच्चों के हिसाब से डॉल्फिन भी पूरी बनाई गई है पूल में, ठीक है। अब पूल कहाँ है, लाड़वा में, ठीक है, लाड़वा में। पूल लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप आओ छोटे बच्चों को, तो उसके हिसाब से आप खड़े रहो, या हमें कुछ दिक्कत ना हो। केवल क्या होता है, नस खींच जाती है जब बच्चा चोट खा लेता है, तो उसके लिए ध्यान रखना कि चोट ना खाए। बाकी सब हो रहा है, मस्ती करने दो, उसके बाद अपने आप स्विमिंग करने लग जाते हैं। देखो ये किक बोर्ड के साथ स्विमिंग कर रहा था, बाहर आ रहा है कि नहीं। अब जैसे वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, वो राउंड मार रहा है, ठीक है। अगर वो 7 साल का है, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी चेस्ट में जो बिगनर है उसके इतना पानी होना चाहिए। देखो ये छोटा बच्चा हाइट के हिसाब से इसके पानी सही है कि नहीं। मर आ गया, अब ये भी स्विमिंग करेगी, ये भी स्विमिंग करेगा। छोटे बच्चों को आप क्या होता है, ये आजकल क्या है, छुट्टियां पड़ गई हैं मोस्टली, पेरेंट्स अपना बिजी रहते हैं, बच्चे फ़ोन देखते हैं। 100 गुना ज़्यादा बेटर है कि आप उसको स्विमिंग पूल में ज्वाइन क्लास ज्वाइन करा दो, क्योंकि बॉडी में कितनी एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। फालतू को चीज़ें दे देंगी, हाँ भी हम उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं या कुछ खाता नहीं, जब इतनी मेहनत की होगी उसको आप कुछ भी खाने को दोगे वो खाएगा ही खाएगा। रीज़न क्या, भूख लगी होगी तो खाएगा, तो बॉडी को अच्छा लगेगा। खासकर एक्सरसाइज पानी में अच्छी हो जाती है बच्ची को, और बच्चा स्विमिंग भी सीख जाता है, और आंखों के लिए भी सही रहता है। आप फ़ोन दे दिया, 24 घंटे फ़ोन देखते रहे या टीवी देखते रहे, यही चीज़ चलता है। घर में कुछ ऐसा तो है नहीं कि हाँ बच्चा पार्क में जाके खेल रहा है, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आप स्विमिंग करवाओ बच्चों को, छोटे बच्चों को, जैसे 4 साल का बच्चा है, मस्ती कर रहा है, तो धीरे 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 इसकी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं आगे किड्स को कैसे स्विमिंग, आगे स्विमिंग के लिए पेल लाने के सीख 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 सीख, इतना फोर्स नहीं देना कि उसको लगे कि हाँ भी एक स्कूल टाइप ही बन गए, मस्ती कर रहे थे कुछ टाइम तक। ओ चक है ना, एंजॉय पूरा कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, उसको प्यार प्यार से स्विमिंग सिखाना। बड़े अच्छे लगे, लाइक करना आज के लिए।